हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का डेट है 31st ऑफ मे और आज संडे और मैं अभी जा रहा हूँ कोशियंग। मैं ये बता दूँ कि ये कोई फन राइड नहीं होने वाला है, ये कोई मतलब से लीजर ट्रिप जैसे हम लोग पहले लॉकडाउन से पहले किया करते थे, संडे करके राइड, मॉर्निंग राइड, वो नहीं हो रहा है। एक्चुअली आई एम गोइंग टू कोशियंग फॉर अ रीज़न, बिकॉज आज से कुछ दिन पहले जब मैं कोशियंग गया था वहाँ पर हम लोग कोई काम से गए थे विद प्रॉपर ड्यू परमिशन। एंड कोशियंग में फिर हुआ यूँ कि हम लोग कुछ डॉक्यूमेंट वहाँ पे रह गया, सो आई एम जस्ट गोइंग टू ब्रिंग दैट बैक मैन, दैट्स इट, और कुछ नहीं। बोले हम लोग अभी ये रास्ता नहीं लेंगे, रोहिणी होकर के मतलब सॉरी सुखना होकर के नहीं जाएंगे, बिकॉज इतना सुबह से वहाँ पे थर्मल स्क्रीनिंग वगैरह खुलता नहीं है, तो हमें जाना पड़ेगा रोहिणी होकर के। रोहिणी होकर के जाएंगे तो वहाँ पे थर्मल स्क्रीनिंग होगा, आपसे रीज़न पूछा जाएगा, उसके बाद आपको जाने दिया जाएगा। तो अभी हम लोग चल रहे हैं टूवर्ड्स कोशियंग, बने रहे इस वीडियो में। बहुत ही मुश्किल से 100 क्रॉस करता है, बहुत ही मुश्किल से। बोला आज का जो मौसम है ना बहुत ही सुहाना है, आई मीन लाइक यू कैन सी द ब्लैक क्लाउड्स एंड आई कैन सी द हिल्स क्लियर, मतलब माउंटेंस जो है बहुत ही क्लियर है। आज अलग ही किस्म का मज़ा होने वाला है, बिकॉज अगर यहाँ पे बादल है तो ऑब्वियसली पहाड़ में और भी ज़्यादा बादल होंगे। अब ये 100 से ऊपर जाता नहीं है, मैं इसको ओवरटेक कर सकता नहीं, बट एनीवे अपाचे इज अ गुड बाइक मैन। ये बार बार मुझे पीछे मुड़ मुड़ को देख रहा है, रेस करना चाहता है क्या? A few moments later. Well, ये जो बाइक मैं चला रहा हूँ ना, ये मेरा बाइक तो है नहीं, और ये मेरा एक दोस्त का है जिसका नाम है, इसका सरनेम है नायक, इसलिए इसने इस जगह पर नायक लिखा के रखा है। और यार मेरे को ना तेरे से एक दिक्कत है यार, तूने ये मिरर हटा दिया यार, तो मुझे ना थोड़ा प्रॉब्लम होता है जब मैं दायां बायां लेता हूँ। आई डोंट नो लाइक हाउ कम पीपल दे यू नो रन द मोटरसाइकिल विदाउट मिरर्स, कैसे चलाते हो आप लोग? ए कुत्ते, अरे ब्रो व्हाट्स अप, किधर जा रहे हो? मैं तो यहाँ जा रहा हूँ कोशियंग। आज एनएस का है? आज एनएस मेरा दोस्त का घर पे। अरे इसे मैं बहुत देर से देख रहा था, हेलमेट तो जाना पहचान लेकिन बाइक तो जाना पहचान है नहीं। अरे नहीं नहीं, तुम मुझे ओवरटेक किया ना तो मेरे को लगा अरे यार अमित तो नहीं होगा, फिर नहीं तो सुबह सुबह घंटा अमित होगा यार। कहाँ जा रहे हो तुम? मैं भी उसी तरह जा रहा हूँ यार, इतने दिन से सोचा था। जैकेट पहन के भाई, क्या बात, बस सेफ्टी तो है लेकिन मैं जैकेट पहन के निकलने वाला, फिर सोच राइड वाइड नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ कोशियंग में। मेरा एक्चुअली मैं उस दिन कोशियंग गया था कुछ 3-4 दिन पहले, तो मेरा दोस्त का पापा का जो डॉक्यूमेंट है वो वहीं पर रह गया है, तो इसलिए वो लेने जा रहा हूँ। अब तुम कहाँ चल रहे हो? चलो फिर साथ में चलते हैं। You'll go? ठीक 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 चलो। एनीवे कोई इश्यू होगा मैं तो हूँ ही, आई हैव ऑल दी डॉक्यूमेंट्स एंड पेपर्स। चलते चलते बड़ी सो ही इज अमित। आप लोगों ने इसको मेरे बर्थडे वाले व्लॉग पे देखा होगा, जब मैं जो डॉगीज को है, जब मैं फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था अपने बर्थडे का दिन रात का टाइम पे, तो ये लड़का जो था ये था मेरे साथ। वेल आई नो हिम सिंस फ्यू इयर्स बैक थ्रू सम मीन ऑफ यू नो टर्म्स मैं उनसे मिला, तो तब से इनके साथ मेरा अच्छा कॉन्टैक्ट है। तो आज सडनली ऑल ऑफ अ सडन अननोइंगली फॉर्चुनेटली मिलना हो गया, तो नाउ लेट्स गो टू द वे एंड एक साथी मिल चुका है तो करते हैं इस जर्नी को और भी रंगीन। और मेरा पुराना स्कूल भी इसी रोड में है, आर्मी पब्लिक स्कूल सुकना। काफ़ी लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि आप कौन से स्कूल से पढ़ाई की हो,
तो मैं आर्मी स्कूल से पढ़ाई किया हूँ, आर्मी बैकग्राउंड। और ये जो पहाड़ है, ये जो नज़ारे, ये रोज का मेरा था। सुबह 7:40 को बस आया करता था, नहीं सॉरी 6:40 को बस आया करता था, और हम लोग स्कूल पहुँचते थे 7:05 के आसपास, और 7:40 से हम लोग का प्रेयर हुआ करता था। तो ये जो रास्ता था, ये हम लोग का रेगुलर रोज का रूट था। बट काफ़ी सारे चेंजेस हो चुके हैं। ये पहले यहाँ पे कुछ नहीं हुआ करता था, दीज आर दी आर्मी एरियाज, तो यहाँ पे पहले कुछ भी नहीं हुआ करता था, और आज का डेट में बहुत कुछ हो चुका है। मैं आपको अपना स्कूल भी दिखाऊंगा, पहले जो मेरा स्कूल हुआ करता था, और आज वो एक आर्मी के रेजिमेंट या ऐसा कुछ ले लिया है उसमें। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो पेड़ के बॉर्डर से जो चालू हो रहा है, एक मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉपर, ये जो बाउंड्री जो चालू हो रहा है, ये सब था मेरा स्कूल। ये जो टैंकर्स वगैरह जो रखे हुए हैं, ये सब मेरे स्कूल का हुआ करता था, वो मेरा क्लास 8B हुआ करता था। ये फिज़िक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, वो स्टाफ रूम हुआ करता था। तो इतना बड़ा जो कंपाउंड था, ये पूरा स्कूल था। यहाँ पे हम लोग का बस खड़ा हुआ करता था, हम लोग यहाँ से जाते थे, और वो प्री नर्सरी, KG1, ये सब क्लासेस, प्राइमरी क्लासेस हुआ करता था। तो इट वाज़ अ लवली एम्बियंस, कोई शोर शराबा नहीं, बहुत अच्छा शांत सिस्टमैटिक रूल्स के अंदर रहने वाला ये जगह, जस्ट लविंग इट मैन। बहुत दिनों बाद आई विश वापस हम लोग स्कूल टाइम पे जा पाते, बैक टू टाइम करके नो, और स्कूल के वो मोमेंट फिर से दोबारा यादगार बना पाते। बट एनीवे गाइस, मैं आप सभी को एक चीज़ बता दूँ कि जो लोग आज का डेट में स्कूल में पढ़ रहे हो, बड़ी रिमेंबर, आप लोगों को लगता है ना कि कॉलेज के दिन बहुत अच्छे हुआ करते थे, नो, उनके पास बाइक है, वो घूम सकते हैं, मोबाइल होते हैं, घर से छूट होता है, हमारा क्या, हम तो स्कूल में जाते हैं, बैग पकड़ के आते हैं बस में। दैट इज़ द बेस्ट टाइम बड़ी, आपको कोई चीज़ का टेंशन ही नहीं है, आपको अपने घर पे माँ बाप के थ्रू प्यार मिल रहा है, खाना मिल रहा है, जो हमें आज भी मिल रहा है, लेकिन हमारे सर में एक अलग तरह का प्रेशर है, फैमिली को लेकर के, बहुत कुछ को लेकर के। तो आप लोग अगर स्कूल में पढ़ाई करो, दैट इज़ द बेस्ट टाइम, भगवान को बोलो कि वो टाइम रह जाए तुम लोग के साथ। एंड दैट्स इट गाइस, जो लोग स्कूल में पढ़ रहे हो इंजॉय कर लो, बाकी तो यार उसका तो कॉलेज जाना ही है सबको, फिर तो अपना अपना लाइफ में हर किसी को सेटल होना ही है। उत्तराखंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन COVID-19 स्क्रीनिंग टनल, तो हमें जो है इस टनल पे रोका जाएगा, और यहाँ पे बहुत सारे कुछ बने हुए हैं, हमें स्क्रीनिंग किया जाएगा, यहाँ पे रुकना है। अमित, या वी हैव टू स्क्रीन आवर सेल्फ ओवर हियर। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर 25.6, सो अमित का है 24 point something, मेरा है 25 point something। इतना कूल क्यों हो तुम अमित, बी अ हॉट गाय। चलते हैं, स्क्रीनिंग हो चुका है, अभी इंडिकेटर देके लेते हैं हम राइट। What a view, what a lovely view buddy, just see, very soon we are going to enter the clouds, and this tree is always on the leaner side, aur patte phool khile hue hain, it's looking beautiful, aur bike se jana is like a bliss। So subah ke ho chuke hain 6:40, aur hum abhi jo hai Rohini mein enter kar chuke hain, let's go। वेल गाइज, एक बात है, आई डोंट नो अमित हाउ मच यू एग्री विथ मी, जिस तरीके से मैं आज क्लासिक 350 को चला रहा था,
ऐसे दूसरे किसी को चलाना चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं तो बोलता हूँ नहीं चाहिए भाई, अगर कंट्रोल है तो चलाओ, नहीं तो मत चलाओ। कल को ये मत बोलना कि बाइकर नीलाद्री तो चला रहा था, हम उन्हें देख के हम भी चलाने लगे हैं, फिर गिर जाते हैं तो फिर मुझे गाली पड़ता है, यू नो। सो प्लीज़ आई एम नॉट रिलाइड फॉर योर लाइफ, मैं आपके लाइफ के लिए वो सब स्टंटबाजी के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। अगर आपको चलाना आता है तो चलाओ, नहीं तो मत चलाओ। राइड ऑन योर ओन लिमिट्स, एग्जैक्टली। एंड दिस इज़ द ब्यूटी मैन, हाँ, ये है सुंदरता। ऊपर जो सूरज देवता जो धीरे धीरे प्रकट हो रहे हैं, जो छुपे हुए थे बादल में, नाउ दिस इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल मैन, अमेजिंग। सो गाइस जस्ट लुक एट दिस। हे बडी, नहीं नहीं भाई, छूंगा नहीं तेरे को। सो दिस इज द क्लाउड फ्लोटिंग मिस्ट, ऐसे में जाते समय हम लोग तीन धारे होकर के जा सकते हैं। यस, विल गो बाय तीन धारे, लेकिन उसका व्लॉग अलग आएगा, ताकि आप लोग को ये व्लॉग जो है ज़्यादा लंबा ना लगे, आप लोग को और एक मौका मिले मेरा और एक व्लॉग देखने का। सो हम लोग पहुँच चुके हैं दिस लवली लोकेशन, आई लव कर्शियांग। ये लोग बड़े, इसके ऊपर चढ़ना मत लगे ना, वो बहुत लोग चढ़ते हैं, वो बुरा बात है, नहीं करना चाहिए, ठीक है? आप चढ़िएगा मत इसके ऊपर। सो मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत बहुत काफ़ी सारे फोटोज़ को भी देखा है मैंने कि आई लव कर्शियांग लिखा हुआ है, उसके ऊपर लोग जो चढ़ के खड़े होते हैं, पता नहीं बैठते हैं, कोई पान का पीक थूकता है। यार दिस इज़ रियली वेरी बैड, बहुत ही ख़राब चीज़ है, ऐसा आप कभी भी ना करें। कभी भी आप कर्शियांग में आए या फिर कहीं भी दुनिया के किसी पार्ट में चले जाए, यार जो चीज़ सुंदर है उसको सुंदर ही रखें, उसमें उसका सुंदरता को बनाए रखने में अपना मदद करें थोड़ा। और कभी भी ऐसा फालतू एक्टिविटीज़ करें ही ना जिससे आपको और उस जगह को यू नो बेइज्जत होना पड़े। आप तो करके चले आते हो और वो फ़ोटो अपलोड हो जाता है, उसके बाद लोग जो है हंसते हैं कि देखो यार इन्होंने क्या कर दिया। और कुछ चंद लोगों के लिए जो है बाकी लोगों को प्रॉब्लम होता है। सो प्लीज़ नेवर डू ऑल दिस थिंग्स, कभी भी आप आओ ऐसा चढ़ा वड़ा मत करो उसमें, नॉर्मल बैठ के खिंचा लो, खड़े होकर के खिंचा लो, साइड से खिंचवा लो, बट प्लीज़ नेवर, इट्स अ रिक्वेस्ट। तो अमित भाई जो है आ चुके हैं, एंड सामने कोहरा ही कोहरा है, और मैं सातवीं आसमान की ऊंचाइयों में, कोहरा ही कोहरा है। एंड यू नो आई कैन इवन एक्सप्रेस कि कैसा फील हो रहा है मुझे, मतलब एकदम यू नो क्लाउड्स के बीच से ट्रैवल कर रहा हूँ, एंड अलग ही मज़ा है। सो दैट्स द कर्शियांग टीवी टावर, और वहीं पे है ईगल क्रेस्ट, एंड दिस इज द व्यू ऑफ कर्शियांग। अब यहाँ से उड़ाते हैं ड्रोन।
ओके गाइस, सो एज यू कैन सी दोबारा क्लाउड्स आ चुका है एंड बहुत ही ठंडा ठंडा हवा बह रहा है. सो यर गाइस, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज व्लॉग. आई होप सो यू गाइस हैव लाइक समथिंग. अगर आपको ड्रोन वीडियोस अच्छे लगे तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें. एंड जो लोग कहते हैं, मैंने पिछला एक पोस्ट में फोटो डाला था, उसमें लोग कह रहे थे कि मास्क नहीं पहना है, तो मैं मास्क पहनता हूँ. ये मेरा ऑब्वियसली ये बैंडना है, इससे मैं अपना नाक मुँह सब कुछ कवर करके रखता हूँ, कान वान सब कुछ कवर करके रखता हूँ. तो मैं अपना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करता हूँ. एंड एज यू कैन सी दिस साइन, तो आई एम रिलेटेड टू दिस साइन. ठीक है, तो लोगों को बताने का ज़रूरत नहीं है कि कोविड 19 से बचना कैसे है, कैसे क्या करना है. आई एम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंड आई एम ऑलरेडी टॉट, यू नो, व्हेन दिस थिंग स्टार्टेड ऑकरिंग. सो दैट्स ऑल गाइस, मैं ऐसे ही बता रहा था. और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, अपने आप को सेफ रखें, सब कुछ सही रखें. सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अभी मैं जाऊंगा पेट्रोल भरने के लिए, आगे पेट्रोल भर के काम करूंगा, जो मेरा पेपर डॉक्यूमेंट है वो लूंगा. एंड अमित यहीं पे रुको यार थोड़े. सो अमित विल स्टे हेयर. मैं एक बार वहाँ से जब वापस आ जाऊँ, फिर मैं अमित के साथ यहाँ से तीन धारे होकर के वापस जाएंगे. सो ये वाला वीडियो फिर मैं अलग वीडियो बनाता हूँ, कर्शन से सिलीगुड़ी का तीन धारे होकर के, वो दूसरे व्लॉग में आएगा. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू लाइक समथिंग, डू प्रेस द लाइक बटन. यू कैन कमेंट डाउन योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो. एंड 1 लाख सब्सक्राइबर्स वेरी सून. 1 लाख? ओके ओके. तो हम लोग जो है 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं. तो बस मे बी चंद कुछ 2,500 या 3,000 सब्सक्राइबर से दूर है. तो देखो यार, कुछ करना है कर दो. तो क्या होगा, सिल्वर प्ले बटन आएगा, उसको हम लोग वॉल पे सजा पाएंगे, उसका अनबॉक्सिंग कर पाएंगे. एंड एक यूट्यूबर का काफ़ी ड्रीम होता है कि उसका पहला जो व्हाट यू कॉल दैट ब्रो, ट्रॉफी, नो इट्स अ मोमेंटम काइंड ऑफ थिंग, सुवीनियर काइंड ऑफ थिंग, विच इज गिवन बाय द फर्म और बाय द थिंग, बाय द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन विच यू हैव वर्क ऑलरेडी हार्ड. सो आई होप सो यू गाइज कैन फील माई फीलिंग. सो एनी वे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड ड्रोन वीडियो अच्छा लगे तो उसको जरूर शेयर करना. एंड प्लीज डू नॉट अपलोड द ड्रोन वीडियो विदाउट माई परमिशन. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय, टेक केयर, मेंटेन सेफ डिस्टेंस, मेंटेन यूर सेल्फ इन द कोविड 19, बच कर रहे, हैंड सैनिटाइजर यूज़ करें, चाहे तो ऐसा ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं. कीप योरसेल्फ सेफ. दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय, टेक केयर, राइड राइड सेफ. विल सी इन द नेक्स्ट व्लॉग फ्रॉम कर्शियंग टू सिलीगुड़ी वाया तीन धारे. उसमें भी ड्रोन वीडियो उड़ाऊंगा, ड्रोन वीडियो आएंगे, उसमें भी ड्रोन उड़ाएंगे. स्टे ट्यून्ड दैट वीडियो इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज. बाय बाय.